हेलो एवरीवन, ये है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का डे 14 का वीडियो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, क्या बोल रहे हैं। 72 इंटू 25 स्क्वायर अपॉन में है, फिर ब्रैकेट में ये वैल्यू दी है और अपॉन में फिर 32। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बोर्ड मास में क्या देखते हैं, सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये 36 यहाँ पे भी कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 25 स्क्वायर अंडर रूट का क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 25, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, दोनों को डिवाइड कर दो, 17 मतलब 17, ठीक है, 2 कैरी गया 27 हो गया, फिर 17 मतलब 17 यानी कि 10 कैरी चला गया, 102 76 102 होता है, प्लस 20% निकालोगे इसका 170, माइनस 24% निकालना है, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 70, यहाँ पे बच गया 12, ये आ गया अपना 84। अब क्या करो, पहले इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 86 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 202 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा 86 देखो, इन दोनों को जल्दी से माइनस करोगे तो 86 आ जाएगा, अगर नहीं माइनस कर पा रहे हो तो 170 में से पहले 100 माइनस कर दो, कितना आ गया 70, 100 माइनस किया हमने तो 84 करना था, यानी कि आपने क्या किया 16 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो 16 ऐड कर दो, 86 हो गया, क्लियर है। अच्छा अब इसमें देख लो, 55% निकालना है, पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 110, ये हो गया 23। हमें पता है किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 लिखोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर 2 लिखोगे, माइनस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिख रहा हूँ, इसका क्या आ गया 11 आ गया, इक्वल्स टू इन दोनों को डिवाइड करके देख लो अब। अच्छा 23 को अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 46 92 20, ये 4 पे जाएगा 92। ठीक है, तो फिर से यानी 44 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 132। अब 11x को उधर ले आओ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 253 माइनस 44 यानी कि 209, और उसमें ऐड करोगे 132, ये क्या हो जाएगा 14, और ये वैल्यू आएगी आपकी 4। डिवाइड किससे करना, मुझे डिवाइड करना है 11 से, यहाँ पे एक्चुअल में 4 नहीं 3 आएगा। ठीक है, अच्छा 11 से डिवाइड करना है क्योंकि वहां पे जाके 11x हो जाएगा, 11 3 जा 33, तो 1 जाएगा 1 जा 11, ठीक है, तो 31 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अच्छा अब इसको देख लो, 30 से मल्टीप्लाई करना 580 को, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 50 और 2 कितना हो गया 17, प्लस इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, 37 को डिवाइड करोगे अगर से, तो अगर मैं देख लूँ 37 37 होगा 74, 74 और 74 कितना होता है 148, यानी पहले 4 पे जाएगा, 148 आ गया, कितना कैरी गया 7, 74 आ गया यानी 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 2116 किसका अंडर रूट है, मुझे पता है 2025 45 का अंडर रूट है। ठीक है, 2025 45 का रूट है, तो ये किसका हो जाएगा 46 का, माइनस 46, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 यहां से किया तो 170 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिंपल ही है, ये 23 आ गया, ये 12 आ गया, ये 40 आ गया, और जो भी ऐड करके आएगा डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये 35 35 और 40 कितना 75 75 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया, ठीक है, इसको 4 कर दिया मैंने, ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया। अब ये क्या 403 into 3, 403 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1209, ठीक है, इससे माइनस क्या करोगे 133, तो ये कितना आ गया 6 इधर आ गया, 10 में से ये गए 6 आ गया, और ये अपना आ गया 11 आ गया, सॉरी 10 आ गया, 1066 आ रहा है, 1066 किसके पास में है, 76 के पास में है। ठीक है, हमने क्योंकि अप्रोक्सीमेट लिए थे नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, ये वाला 5 है, ये हमारा कितना है 650 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 130, ठीक है, देन 12 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से कितना आ गया 108, ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 238, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को देख लो, ये कितना है 350 को अगर 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो,
से करोगे तो 140, 7 से करोगे, 20 से करोगे तो 1400, 7 से करोगे तो 490, यानी कि 1890। अच्छा, माइनस एक्स माइनस 130 इक्वल्स टू 12, 130 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 1760, 1760। और अब 12 भी इससे माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1748 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, 1750 अप्रोक्सीमेट इतना ही आ रहा है। अच्छा, पहले इन दोनों को माइनस कर लो, फिर आप आगे निकालेंगे। ये इसको 13430 ले लो, और ये तो 50 है ही है। ठीक है, तो माइनस करोगे क्या आएगा, 0 में से 0 गया, 0 13 में से 5 गया, 8 आ गया, ये हो गया 133, 3 में से 3 गया 0, और ये आ गया 2, 2080 आ गया। इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 81, और चलो 12 13, ये आ गया 130, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, अब व्हाट परसेंट लिखा है ना, परसेंट, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगेगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 20.80 हो गया ये। आप क्या करोगे, इसको 20.80 से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं 20 से भी डिवाइड करता हूँ ना, तो 20 से भी डिवाइड करता हूँ तो 6.5 आएगा। तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है 20 से, तो 6.5 से वैल्यू थोड़ी सी छोटी आनी चाहिए। थोड़ी सी छोटी वैल्यू कौन सी है, ए ऑप्शन 6.25। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो, 18, अच्छा ये क्या हो गया, 4 × 90, ये हो गया 360, 360 में से ये 5 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 72, 72, एक सेकेंड, ये आ गया हमारे पास 360, 360 में से अगर ये डिवाइड करोगे 5 तो 72 आएगा, 72 को अगर 18 में ऐड कर दोगे तो ये आएगा आपका 90, 90 आ रहा है। शायद क्वेश्चन टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी या ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसका आंसर 90 आ रहा है। अच्छा, आगे हमारे स्टार्ट हो गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट इफ द शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 960। ठीक है, कह रहा है कुछ उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसने उसको 100% पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया उसका मार्केट प्राइस कर दिया, तो उसने देन क्या किया, दो डिस्काउंट दिए सक्सेसिव 10 और 20%, और प्रॉफिट हुआ 960 का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कॉस्ट प्राइस में लट कर लेता हूँ 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्केट प्राइस कितना आ गया मेरा 150, क्योंकि 50% इंक्रीज किया था, 10% डिस्काउंट दोगे कितना आएगा 135, 20% डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा 27 का डिस्काउंट आ गया, कितना आ गया माइनस करके 108, 100 से 108 आ गया, प्रॉफिट कितने का हो गया 8 का, 8 की वैल्यू कितनी है 960, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 120, मुझे क्या निकालना था मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना 150, 120 को मल्टीप्लाई कर दो 150 से, यानी कि 18,000 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए टू बी मुझे दिया हुआ है 4:5। ठीक है, लिख लेता हूँ साथ साथ, ए की और बी की स्पीड दी हुई है मुझे रेशियो ट्रेन की, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 400 मीटर, इफ द ट्रेन बी क्रॉसिस अ पोल इन 28.8 सेकंड में, इसने एक पोल क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, एंड ट्रेन ए क्रॉसिस ट्रेन बी रनिंग इन सेम डायरेक्शन, क्या कह रहा है, ए और बी सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है 4.4 मिनट्स, तो मुझे फाइंड करना लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब ट्रेन बी की मुझे लेंथ तो नहीं पता, पर मुझे पता स्पीड कितनी है, इसको मैं 5x ले लेता हूँ, इसको 4x ले लेता हूँ, स्पीड ये है 5x, टाइम दिया हुआ मुझे 28.8 सेकेंड, तो मुझे अगर ट्रेन बी की लेंथ निकालनी हो या मैं बोलूँ डिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिखूंगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 5x, टाइम कितना है 28.8 सेकेंड, मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 144x, इतना क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखा, ट्रेन ए और ट्रेन बी ने जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर मुझे टाइमिंग दी रखी है, टाइमिंग कितनी है 4.4 मिनट्स। ठीक है, पहले तो ये 4.4 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, एफिशिएंसी बोल दिया, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तो इन्होंने जितना जितना भी डिस्टेंस कवर किया तो ये मेरे पास कितना आ गया टाइम, टाइम
को डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम आ गया ये, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे क्या बोलना है कि इस जो स्पीड का, जो एक डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड स्पीड को हम माइनस करते हैं, हमें पता है। अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस होगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड ऐड होगी। इस केस में स्पीड माइनस होगी, 5x-4x कितना हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब ए की, ए का डिस्टेंस कितना था 400, ट्रेन का डिस्टेंस जो भी था। बी का कितना है, बी का मैंने अभी निकाला 144x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट हो गया रिमूव 0 की वजह से, 6 4 24, और ये आ गया 264x, ठीक है। अच्छा माइनस कर दोगे 144 को यहां से तो क्या आ जाएगा, 4 4, ये आ जाएगा 120, यानी 120x की वैल्यू आ जाएगी 400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/120, ये 4 3 12, 10 कट गया, x की वैल्यू आ गई 10/3। अगर x की वैल्यू 10/3 आ गई, मुझे क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 144x, क्या करोगे इनटू 10/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 पे कट कर दो कितना आ गया, 3 4 12, 3 8 24, और 1 0 आएगा साथ में, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज 12√2। हमारे पास क्या कह रहा है, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, स्क्वायर इसका जो डायगोनल है ना वो मुझे गिवन है 12√2। मुझे पता है अगर डायगोनल 12√2 है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाल लो, या आपको पता होना चाहिए कि ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, सीधा 12 इज द साइड आ जाएगी, ठीक है। यार एक हमारे पास रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया 64, यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 32। यार इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 28 मोर देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यार स्क्वायर का जो पेरीमीटर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 12 × 4 यानी 48, अगर वो रेक्टेंगल के लेंथ से 28 ज्यादा है, 28 ज्यादा यानी 28 कम कर दो कितना आ गया 20, यानी कि यहाँ पे लेंथ की वैल्यू मुझे 20 दे दी है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेंथ अगर 20 दे दिया तो ब्रेथ 12 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 240 इज द एरिया, 240 यानी ए ऑप्शन इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, पी एम क्यू एक काम को 6 6 2/3 डेज में कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं क्या बोल दूंगा 20/3 साथ में, और पी अकेला, ये तो हो गया पी और क्यू, पी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। कह रहा है कितने दिन में, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीट इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है, स्टार्टिंग विद पी। तो पहले मैं क्यू को फाइंड कर लूं कि क्यू का कितना टाइम लगेगा, मुझे पता है अब दोनों का, मुझे पहले क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम लोगे किसका, यहाँ पे 20 का और यहाँ पे 12 का, एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 मेरा वर्क हो गया, तो इसको डिवाइड करोगे, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, ये आ गई 9, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5, यानी क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, क्लियर है। अच्छा अब ऑल्टरनेट डेज पे काम करना है, तो पहले इन दोनों का एक पेयर बना लो, ये कितनी एफिशिएंसी आ गई 9, यानी कि अगर मैं इनका पेयर बना लूंगा तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में 9 वर्क हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 डेज में कितना वर्क होगा, 2 डेज क्यों लिए मैंने, क्योंकि एक दिन पी काम करेगा, एक दिन क्यू काम करेगा, ठीक है, पहले पी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 दिन में कितना काम होगा, 9 दिन का, ठीक है। अब क्या करो, 60 को 9 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 9 6 54, जिसके हमें 6 दिन तो लगेंगे ही, जो हमें सीधे सीधे 6 दिन तो लगने ही लगने हैं, उससे ज्यादा भी लगेंगे पर सीधे तो 6 लगने ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ गया, कि 12 डेज में 54 वर्क हो गया, 12 डेज में 54 वर्क हो गया। अब 13वां दिन जब स्टार्ट होगा तब किसकी टर्न आएगी, पी की टर्न आएगी, पी कितना काम करेगा, 5 करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 5 है, 59 हो गया 13 दिनों में। अब आएगा नेक्स्ट डे, अब क्यू एक दिन में, एक डे में 4 काम करता है, ठीक है, मुझे एक काम करवाना है तो एक काम कितने में करेगा, 1/4 दिन में करेगा, यानी कि 13 में क्या प्लस करोगे, 1/4, इनको ऐड करोगे क्या आएगा, सीधा 13:1/4, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 5:3। स्टिल वाटर में मुझे बोट की जो स्पीड है उसकी रेशियो दी हुई है, ठीक है, क्या कह रहा है, बोट ए कवर्स 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इन 9.6 आवर्स।
बोट ए है वो 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 9.6 आवर्स में, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मुझे पता 96 और 48 होता है 144, ठीक है, 96 और 40 यानी कि डेढ़ गुना यानी कि 15 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड आएगी, एक मिनट, यहाँ पे आएगा ये, तो ये एक्सेप्ट, ये पॉइंटर मूव करके यहाँ पे मैं जीरो लगा दूंगा, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 नीचे कर दो, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 15 आएगी वैल्यू मेरी ए के लिए, अपस्ट्रीम वैल्यू, अपस्ट्रीम जो स्पीड है 15 आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करेगा 9.6 आवर्स में, 240 9.6, ठीक है। यहाँ वहां का भी पॉइंट रिमूव कर देके यहाँ पे जीरो लगा, ठीक है। मुझे पता है 24 * 4 ये आएगा, और 400 से कट होगा तो कितना आएगा, 25, यानी कि बी के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, 25, इतना क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, मुझे मुझे ये रेशो किसके दिया है, ये रेशो तो बोर्ड की दी है, दोनों की, बोट की स्पीड अलग अलग हो सकती है पर पानी की स्पीड एक ही रहेगी। पानी की स्पीड को मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। अगर ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 प्लस एक्स। अगर ये वाली स्पीड जो 25 ये डाउनस्ट्रीम है तो बोट की कितनी हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। अब देखो रेशो मुझे कितनी दी है, 5/3, और यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, 15 प्लस एक्स अपॉन 25 माइनस एक्स, क्लियर है। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5x 3x, ये कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। उसके बाद में 25 को 5 से करोगे 125, वहां से करोगे 45, यानी ये कितना आ जाएगा, 80, माइनस करके 80 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। मुझे फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। x की वैल्यू अगर 10 आ गई तो बोट ए इन स्टिल वाटर मेरी स्पीड क्या आ रही है, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड, एक्स की वैल्यू 10, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 आई ना, यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 15 प्लस एक्स, यही तो है ना बोट की स्पीड, तो 15 प्लस 10 यानी 25 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी बोट ए की स्टिल वाटर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, दो पर्सन है ए एंड बी, उनकी इनकम की रेशियो है 3:2, एंड उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है, इनकम ये हो गई, एक्सपेंस का रेशियो कितना हो गया, 5:3। कह रहा है इफ बोथ ऑफ देम गिव देयर सेविंग टू अनदर पर्सन एट सिंपल इंटरेस्ट 10% एंड 12%, और उनको कितना रिटर्न मिलता है, 1980 का एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड देयर सेविंग्स आर सेम। कह रहा है उनकी सेविंग सेम है, ठीक है, यही मेन लाइन है कि उनकी सेविंग सेम है। अगर सेविंग ही सेम है तो मान लो जैसे इसकी सेविंग 100 है, इसकी सेविंग 100 है, इसका 10% कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना हमें, ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। तो 10%, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 22%। और मुझे 22% की वैल्यू कितनी दी है, 1980, कट कर दो, 11 पे कट करोगे, 11 11, 8 88, इंटू 02 पे कट करोगे 90, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 90, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9000। पर ये 100% तो सिर्फ एक का आया है, उसने पूछा दोनों की टोटल सेविंग बतानी है, टोटल तो 200 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 18000। 18000 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्या कह रहे हैं, एल एम एन एंटर इन टू ए पार्टनरशिप, उनकी रेशियो मुझे दी हुई है 7:2, 4:3 और 6:5। डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है सबका एलसीएम ले लो, 5 3 15 30 आएगा, और 30 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 105, यहाँ पे करोगे तो 40, यहाँ पे करोगे तो 36 आएगा, ठीक है, ये रेशो आ गई। क्या कह रहा है, अगर 4 मंथ बाद एल ने अपना शेयर 50% इंक्रीज कर दिया, अब 4 मंथ बाद 4 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो, एल ने अपना शेयर, ये एल रहा, ठीक है, इसने अपना शेयर 50% इंक्रीज कर दिया, 105 का 50% कितना हो गया, 52.5, ठीक है, तो इंक्रीज कर दिया यानी 105 और ऐड कर दो यानी कि 157.5 ये उसने कर दिया, ठीक है, और बाकी सब मेरे ख्याल से सेम ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 40 ले लो, यहाँ पे 36 ले लो, इंटू 8 ले लो, क्लियर है इतनी सी बात।
कह रहे इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 21670 देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ एलएम। ठीक है, तो पहले क्या करो, 4 कट हो जाएगा 8 से 2 पे, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। ओ 210 बोल दिया, 150 और 150 300, 300 और कितना आ जाएगा 315, ये आ गया। इसको करोगे ये 80 आ गया, ये आ गया 72। अब ऐड कर दो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, कितना आ गया मेरे पास 420, यहाँ पे आ गया 120, यहाँ पे आ गया 108। हमें क्या बोला है, अगर इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, कहाँ पे जाएगा, ये पहले तो ये है 12900, तो 3 पे तो कट कर ही देता हूँ, पहले मैं 12 पे कट कर, 12 पे हो जाएगा, 12 पे सब कट जाएंगे, ये 12900, ये 12100, ये बड़ा ध्यान से देखना, 3 पे कट करोगे तो 140, 4 पे कट करोगे तो 35, यानी ये आएगा 35, ये रेशो आ गई। अब ऐड कर दो 10 और 9 19, 19 और 35 कितना हो गया 54 की वैल्यू मुझे दी है 216,000, यानी क्या हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कह रहे एल और एम का एवरेज निकालना है, एल 10 है एम 9 है, सॉरी एल 35 है एम 10 है, कितना आ गया 45। एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 90 आ गया, यानी कि 9000 मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप देखो क्या कह रहे हैं इसमें, हमारे पास एक लड़का है नितिन, उसने क्या किया परचेज सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस एट अ सर्टेन प्राइस, उसने क्या किया 1/3 जो क्वांटिटी है 4% लॉस पे बेच दिया, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, और अगर उससे बाकी रिमेनिंग इंटायर बिजनेस में अगर 20% का प्रॉफिट लेना है तो बाकी का कितने में सेल करेगा, ध्यान से देखना। उसने 1/3 सेल किया ना, तो 1/3 का मैं कोई ऐसा नंबर लूंगा जिसका 1/3 हो सके, जैसे कि मैंने ले लिया मान लो 90, कि मान लो मेरे पास ना 90 kg राइस है जो उसने बाय की है, ठीक है, हर केजी का मैं मान लेता प्राइस 1 kg का 1 ही रुपीज है, ठीक है, तो पहले उसने 1/3 यानी 30 kg जिसका जिसका प्राइस भी 30 ही है, ठीक है, 4% लॉस पे बेच दिया, 4% लॉस पे नेगेटिव लिख दो, क्या कह रहा है बाकी के जो हाफ है यानी कि 60 बच गया, 60 का हाफ 30, 30 को उसने बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है, कह रहा बाकी का जो 30 है वो फाइंड करना कितने पे बेचा है, टोटल मुझे क्या बोल रहा है, जो उसके पास 990 था उसको उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है, 90 का प्राइस भी 90 है मैंने बोला था अभी, तो 20% का प्रॉफिट यानी कितना हो गया 18 रुपीज का प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, 90 का 20% 18, ठीक है। अच्छा अब 30 का 4% निकालोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 पर माइनस में, ये 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 3। अच्छा इन दोनों को मैं देखूं डिफरेंस तो कितना आएगा 1.8 का, यानी 1.8 तो मेरा बन रहा है, बाकी का कितना चाहिए मुझे, बाकी मुझे चाहिए 18 में से 1.8 माइनस कर दो यानी 16.2 चाहिए। अब ये 16.2 30 का कितना परसेंटेज, अब ये फाइंड कर लो बस 16.2 अपॉन 30 × 100, ये 3 से कट करोगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी 54% आंसर आ रहा है कि बाकी का रिमेनिंग 54% प्रॉफिट पे सेल करेगा। अब इसको देख लो क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ चार्ली इज 37.5% मोर देन चीकू, चार्ली ये हो गया चीकू ये हो गया, अगर चीकू की एज 8 है तो चार्ली की कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि इसका 37.5% इसका मतलब होता है 3:11, 3/8 आएगा, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, 16 साल बाद फ्रॉम नाउ एवरेज एज विल बी 22 मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ चीकू, चीकू की प्रेजेंट एज कितनी है 8x, ठीक है, इसको अगर मैं कह रहा 16 साल बाद ये 22 ज्यादा हो जाएगा, 16 years फ्रॉम नाउ एवरेज एज विल बी, इन दोनों की एवरेज एज कितनी हो जाएगी 16 साल बाद, तो क्या करोगे 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्या आएगा 16x + 44 = 19x + 32, x वाली टर्म एक साइड बाकी टर्म एक साइड, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, हमें चीकू की प्रेजेंटेज निकालनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले जाओ पुट कर दो 4 × 8 = 32, ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। इस क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है सही हुआ तो 4 marks,
एंड लूज वन मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये भी ठीक है, कह रहा है इफ ही अटेम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चन, सारे 75 क्वेश्चन किए हैं तो उसके 125 मार्क्स आए हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन करेक्ट टू दैट ऑफ रॉन्ग, यानी करेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं उसका हमें रेशियो निकालना। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखना, टोटल क्वेश्चन अगर 25 है तो करेक्ट वाले और रॉन्ग वाले का जो रेशियो आएगा, 25 बोल दिया 75 है, ये रेशियो हमेशा 75 से कटता होगा। ठीक है, यानी 75 का मैं क्या बोल सकता हूँ, फैक्टर होगा जो भी रेशियो आएगा। अगर मैंने फैक्टर बोल दिया 7:9 16 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर या तो ए आएगा या डी आएगा। क्लियर है, अब ध्यान से देखना, ए और डी आएगा, टोटल क्वेश्चन कितने मेरे पास 75, यानी 8 8 15, यानी कि ए में कितने हो जाएंगे, या तो 35 हो सकते हैं करेक्ट या 40 रॉन्ग, या फिर मैं कह सकता हूँ करेक्ट मेरे 40 हो सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी के बोलेंगे, ये डी वाला ऑप्शन, ये ए वाला ऑप्शन, या रॉन्ग मेरे कितने हो सकते हैं 35। ठीक है, अगर मेरे 35 सही है तो 35 × 4 कितना हो गया 140, 140 में से 40 गलत माइनस करोगे कितना आ गया 100 मार्क्स, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे मार्क्स 125 आए हैं। अगर 40 सही है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 160, 35 गलत है माइनस कर दोगे 125, यही सही है, यही मेरा ऑप्शन है, यही आंसर सही है। क्लियर है, तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है, आज हमने सिंपलीफिकेशन किया और अरिथमेटिक किया। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।